सभी को सादर प्रणाम। मैं पंजाब से आपका लखविंदर सिंह। दोस्तों, तलवारों के बारे में आपको बहुत भेद बताए, अब एक ऐसा भेद बताने जा रहे हैं जो तलवारों से भी ज्यादा जोरदार है और जो वक्त के चलते कहीं खो गया। दोस्तों, ढाल को तो आप जानते ही होंगे, ढाल किस काम आती है ये भी आप जानते ही होंगे। ढाल तलवार के साथ इतिहास है, आप सब जानते हैं। पर दोस्तों, इससे भी जोरदार एक राज है जो आप नहीं जानते होंगे। आपने देखा होगा कई स्थानों पे ढाल और दो तलवारें लगी होती हैं। कई राजा महाराजाओं के महलों में भी लगी होती थी। आप कोई सीरियल्स देखते हैं, फिल्में देखते हैं, या कई घरों में ये एज अ डेकोरेशन लगी होती है। कभी आपने सोचा कि ये क्यों लगाई जाती है? और यही वो राज है जो वो आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जब तलवारें और ढाल सामने एज अ डेकोरेशन समझ लीजिए लगी होती है ना, तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, बुरी नजर कह सकते हैं, वो रिपेल करती है, रिपेल पीछे को। साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो बैड रेडिएशंस होती हैं, नेगेटिव रेडिएशंस होती हैं, वो रिपेल करती हैं। इसलिए ढाल और दो तलवारें एंट्री पे लगाई जाती हैं, एंट्री पे। ये वो जोरदार गुप्त भेद है जो कई वक्त के चलते खो गया। भेद पता लग गया? अभी तलवार और ढाल एंट्री पे जरूर लगाइएगा। महान विरासत का प्रतीक तो है ही, साथ में और भी बहुत कुछ करती है। सभी का आभार, हर हर महादेव।